ट्यूबलाइट की शूटिंग ख़त्म हो गई है, बिफोर शेड्यूल ख़त्म कर दी हमने, तो उस बात की खुशी है। अब पोस्ट इसका चल रहा है, और क्योंकि इस बार ही फॉर द फर्स्ट टाइम एक सलमान खान की फिल्म में पोस्ट के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। बजरंगी तो मैं रिलीज से 2 महीने पहले तक शूट ही कर रहा था, अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो हम आराम से पोस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली और भी कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो मैं डिवेलप कर रहा हूँ, उनके बारे सोच रहा हूँ। एक नया मीडियम खुल रहा है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का, वो एक नया मीडियम है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हैं जो एज अ मिनी सीरीज़ बेटर कहे जा सकती हैं, स्केल भी उनमें बड़ा है, उन पे भी आइडियाज़ चल रहे हैं। कुछ फिल्म के एक 1983 के बारे तो बात हो चुकी है, वो भी एक डेवलप कर रहा हूँ मैं, तो 2-3 आइडियाज़ हैं। एंड आई थिंक जब तक ट्यूबलाइट रिलीज होगी आई विल बी एबल टू अनाउंस मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ। अभी कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ लॉक नहीं हुआ है। ऑब्वियसली एज डायरेक्टर हम लोग बात करते हैं, और शाहरुख तो पुराने दोस्त हैं, मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ उनको, उन्होंने एक कैमियो भी करा ट्यूबलाइट में, बहुत ग्रेशियसली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उन्होंने केम इन प्लेड इट फॉर अस। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थ्रिल, जस्ट टू सी शाहरुख एंड सलमान इन द सेम फ्रेम टुगेदर वाज अ ह्यूज थ्रिल, एंड आई एम श्योर द ऑडियंसेस विल लव दैट मोमेंट बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल मोमेंट व्हेन दे कम टुगेदर। तो सब काफ़ी एक्टर से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ लॉक नहीं हुआ है ऑनेस्टली। Thank you. Thank you so much. You're one of the most